रायबरेली नगर पालिका विकास की गंगा बहा रही है क्या? आपको बता दें, रायबरेली जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने संचारी रोगों को रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में नगर पालिकाओं को आदेशित किया था कि सभी वार्डों की साफ सफाई कराई जाए, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है, जिसके कारण वार्ड नंबर 15 बहराना में जल भराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के घर का राशन खराब हुआ तो किसी को घर छोड़कर दूसरे के घर बैठना पड़ा। दानी हमरा बद्रुनिसा कहाँ की रहने वाली हो? यहीं की। आपके घर में जो जल भराव है, इससे आप लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है भैया, राशन भी खराब हो रहा, रहने का भी परेशानी है, दिक्कत है, कहाँ जाए, घर द्वार छोड़े पड़े हैं, नुका दूसरे के द्वारे बैठे हैं बेटा। अच्छा, जब ये जल भराव होता है, जब बारिश होती है, तो क्या इसी तरह का जल भराव होता है? यही तरह होता है। तो क्या आप लोगों ने कभी नगर पालिका में इसकी शिकायत की? भैया कल दफा गए, सब गए। तो आपका शबाना कहाँ की रहने वाली हो? बहराना रायबरेली। ये जो जल भराव है, ये कब से है? ये हर साल होता है, कम से कम यहाँ 20 साल से हो रहा है ऐसा। तो इसका क्या कारण है कि इस तरह का जल भराव होता है? ये नाला बंद है, सब इसी तरीके भर जाता है, हम लोग गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। तो इसकी शिकायत वगैरह आपने कभी कहीं की? शिकायत करी हमने, डीएम के बंगला गए, यहाँ के मोहल्ले के आदमी सब लाइन पर बेचारे बैठे रहे, गाड़ी रुकवाया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं। तो किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? सरकार को। की शुरुआत में ही संचारी रोगों को देखते हुए सभी नगर पालिकाओं को आदेशित किया था कि जो भी वार्ड हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। उसके बाद भी रायबरेली की जो नगर पालिका है पूरी तरह से लापरवाह बनी है, और इस समय हम खड़े हैं रायबरेली के बहराना में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जल भराव की क्या स्थिति है। लोगों के घरों के अंदर पूरी तरह से पानी जा चुका है, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जब ये बरसात होती है तो क्या इस तरह का जल भराव जो है हमेशा बना रहता है? जल भराव जब से ये तालाब पार दिया गया, जल भराव खत्म नहीं हो रहा है और रोज बरोज बढ़ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा पानी गिरता है तो इतना भर जाता है कि घरों के अंदर घुस जाता है, हम लोग को निकलना मुश्किल है। किधर से जाए, क्या करें, कहाँ राशन आए, क्या करें, क्या ना करें, या ये और प्रशासन है जो इसकी तरफ देखती ही नहीं कि पानी कैसे निकाला जाए। ये सबसे बड़ी कमी नगर पालिका की है, चेयरमैन की है, जो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। कई एप्लीकेशन हमने दिए, उसके बाद भी लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसकी क्या वजह की है? प्रशासन सबसे ज्यादा कमी है जो इनको आदेश देती पानी निकालने का। इसकी शिकायत वगैरह कभी आप लोगों ने कही की? हाँ, SDM को हमने दिया था, DM साहब को हमने दिया था, पिछले साल भी हमने दिया, हर साल बारिश में यही होता है, कहता है उसके हो जाएगा, आज तक नहीं होता। जब बारिश आती है तो समझ में आता है, उसके बाद भी कोई नहीं आता। अगर यहाँ इसी तरह की स्थिति रही तो आप लोग क्या करेंगे? अरे चक्का जाम कर देंगे एक दिन खाली बस, और क्या करेंगे, घर गिरेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है बरसात के भराव से जो है लोगों में आक्रोश है, और लगातार लोग यहाँ पर जो है उनका यही कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी रायबरेली का जो नगर पालिका है पूरी तरह से इसका जिम्मेदार है, शिकायत करने के बाद भी अब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जो नगर पालिका है पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ एक गृहिणी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं। हम लोगों को बहुत दिक्कत है, जितना राशन पानी है सब बह जाता है, हर कुछ साल यही होता है, इधर उधर भागते हैं, कहीं ऊंची जगह देखते हैं तो वहाँ जाके बैठते हैं। तो इसकी शिकायत वगैरह आप? इसकी शिकायत कितना कर रहा है, हर साल को शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई होती है यहाँ पर? किसको आप लोग जिम्मेदार मानती हैं? हम लोग किसको जिम्मेदार, नगर पालिका में जिसके लगे जाओ वही कह देता है, नगर पालिका जाओ हुआ जाओ तो कोई सुनवाई नहीं। क्या जवाब क्या मिलता है आप लोगों को? जवाब क्या मिलता है, कहीं जाओ तो सफा करा दे बना लो, के बाद फिर काम करता। अच्छा, ये स्थिति जो है हर साल बनती है लगभग? हर साल कम से कम 20 साल से। तो इस पानी रुकने का क्या कारण है? किस तरह ये तालाब फटा हुआ है, आगे से नाला बन रहा है, वो नाला फाट दिया गया बस इसी वजह से है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिला है उनका सीधा सीधा कहना है कि जो यहाँ पर एक नाला है उस नाले को पूरी तरह से पाट दिया गया है, जिसके बाद जो ये स्थिति है लगातार बरकरार है, और यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश इस बात को लेकर के है कि नगर पालिका जो है रायबरेली की लापरवाह है। कई बार शिकायत करने के बाद भी रायबरेली की नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं।